सो ऑल राइट का स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस न्यू वीडियो में। तो क्या चल रहा है आप सभी को पता है कि क्या चल रहा है। तो अभी चल रही है अंबानी जी की प्री वेडिंग। तो ये वेडिंग नहीं है, प्री वेडिंग है। और वेडिंग अभी से 2 महीने बाद है। घर पे शादी होती है ना, वो अंबानी जी के घर पे नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर होती है। और जब अंबानी जी के घर पर शादी होती है तो कोई नॉर्मल लोग नहीं नाचते, जैसे कि हमारे घर पे मामा के, फूफी के, चाचा के बच्चे नाच रहे हैं और चिट्टियां कलाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों को एक साथ नचा दिया गया है। एक इंटरव्यू में क्या बोला था वो, यार तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी। तो क्या आप फोन कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। वेक अप टू रियलिटी। चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। किसने सोचा था कि तीनों को एक साथ नचाया जा सकता है, वो एक ही प्रोड्यूसर है, अंबानी जी, जो देश के प्रोड्यूसर हैं। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हाँ ये चीज ठीक थी, बॉलीवुड अंबानी वुड सोच से बहुत परेशान। क्या बात है सर। और वैसे अपने ब्राट भाई नहीं गए क्योंकि उनके घर पर बेबी हुआ था। अगर बेबी नहीं हुआ होता तो वो भी जरूर जाते। तीनों ने तीनों के स्टेप कर लिए। मुझे लगता है ये वाला आइडिया ना अनंत अंबानी जी का होगा कि मुझे मेरी शादी में ये तीनों इसी गाने पर और इसी डांस में चाहिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी शादी है, मेरी प्री वेडिंग है, मैं अपनी शादी में इन तीनों को ऐसे नचाऊंगा। और वो नचा दिए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे ये तो ब्रावो है ना। और इसमें धोनी सर भी है। धोनी सर अभी 2024 चालू ही हुआ है और आप अपने कितने मीम्स दोगे, कभी हुक्का मारते हुए, कभी कुछ करते हुए। रेहाना होगी चल तू अपने घर की, चलो अब यहाँ पे हिंदी सॉन्ग पे नाच। मुझे तो ये अब ऐसा लगने लग गया है कि ये फेक रेहाना है। वैसे ये सिंगिंग करते हैं लिप सिंग, आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये लोग लिप सिंग करते हैं, आप लोगों को भी लगता है। और ये वही सिंगर है जिसने कुछ समय पहले ये बोला था कि भारत एक गरीब देश है, तो ये सबसे बड़ा तमाचा है रेहाना के मुँह पर अंबानी जी ने दिया है कि ये ले 75 करोड़ और आगे हमारे यहाँ नाच। मजा आया। तो किसी को भी कुछ चीज बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, ये चीज रेहाना के लिए थी। तो आज के बाद भाई कोई भी ऐसी गलती नहीं बोलेगा जिससे कि इनको बाद में पछताना पड़े जैसे रेहाना पछताएगी। गिल्ट तो फील होता ही है देखो अंदर से, बेशक वो बाहर से ना दिखा सके बट अंदर तो गिल्ट फील होता ही है भाई। 75 करोड़ रुपए में बुला लिया भारत में, नाच यहाँ पे, वो भी हिंदी सॉन्ग पे, समझ रहे हो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं किसी को लग रहा हो कि ये लोग फ्री में आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधे से ज्यादा क्रिकेटर और आधे से ज्यादा एक्टर ये लोग पैसे लेके आते हैं। 1-1 करोड़ पेरेंट्स चार्ज हैं एंड 3-3 करोड़ इनके परफॉर्मेंस चार्ज हैं। देखो यार किसी ने भी परफॉर्म किया हो लेकिन सबको ओवर पावर, पता किसने किया, दिलजीत पाजी ने सबको नचा दिया भाई। 10 मिनट और भाई 20 मिनट और मजा आ गया भाई दिलजीत पाजी। यो हिला डाला ना। और सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि प्री वेडिंग के दौरान एक अंग्रेज भारत आया था और डॉली भाई की टपरी पर जाकर एक चाय पी और उनके साथ फोटो वीटो लेकर चले गए और वो फेमस भी हो गए। One shot, please. Don't sweat the technique.
अरे यार, ये कौन है डोली भाई आपके साथ? आप ही बताओ यार, हम तो जानते ना हैं। कैसा लगा आपको, क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था। काश डोली भाई आपको इस चीज का अनुभव होता तो उस दिन के बाद आपको आज चाय बेचने की नौबत ना आती। मुंबई में इनकी मन्नत के बगल में जन्नत होती और काफी काफी सुंदर मलिकाएं इनके आस पास घूमती। और अब सपने से बाहर आ जाओ। वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तो आप सभी को कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को राधे राधे।